तो आप अपने घर के लिए एक इन्वर्टर खरीदने जा रहे हैं, क्या आपको पता है कि आपकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट कितनी है जब लाइट चली जाएगी तब? क्या आपको पता है कि कितने एएच का बैटरी आपको लेना है? क्या आपको पता है कि इन्वर्टर कितने वीए का आपको लेना है? साइन वेव और स्क्वायर वेव इन्वर्टर में क्या डिफरेंस है? ऐसी कई सारी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं और साथ में मैं आपको टॉप 5 बेस्ट इन्वर्टर्स और बैटरीज बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो ये वीडियो हमने बहुत मेहनत करके बनाया है, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की है और आपके लिए 100% काम का होने वाला है। तो अगर आप सच में एक बेस्ट इन्वर्टर और बैटरी लेना चाहते हैं अपने घर के लिए, ये वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कंचन पटेल और आप देखना शुरू कर चुके हैं शॉपिंग गुरु इंडिया। मेरा मिशन आपको बहुत सही प्रोडक्ट रिकमेंड करना है, आपका पैसा सही जगह इन्वेस्ट कराना है और आपकी शॉपिंग को बहुत ज़्यादा इजी कराना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है आगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप सब्सक्राइब का बटन दबा देंगे तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी और इस तरह के और भी कंटेंट्स हम लाते रहेंगे। सबसे पहले इन्वर्टर में बात आ जाती है कि किस टाइप का इन्वर्टर आपको लेना चाहिए। और इन्वर्टर दो टाइप के होते हैं, एक साइन वेव इन्वर्टर होता है और स्क्वायर वेव इन्वर्टर होता है। और ये वेव फॉर्म जो होती है करंट्स की, वो थोड़ा सा चेंजेस होता है, जैसा कि आप एक पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो जो स्क्वायर वेव इन्वर्टर होते हैं ये पुराने टाइप के होते थे और अभी अपग्रेड हुआ है साइन वेव इन्वर्टर, या फिर प्योर साइन वेव इन्वर्टर आप कह सकते हैं। तो स्क्वायर वेव की हम बात करते हैं, ये कॉस्ट में थोड़े सस्ते होते हैं, ये इसका एक प्रो है। बाकी कॉन्स की अगर बात करें तो सेफ्टी का इसमें हम कम रिलायबिलिटी देखते हैं और इसके अंदर नॉइस थोड़ा सा ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, बैटरी पे भी बहुत जल्दी ये ख़राब होने के चांसेस होते हैं बैटरी के। सबसे मेजर इसका कौन ये है कि अपने घर में जो इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस हैं, जो सेंसिटिव अप्लाइंसेस हैं जिसमें चिपसेट का यूज़ होता है, पीसीबी का यूज़ होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉब्लम कर सकते हैं। आप टीवी, लैपटॉप और ये इनसे नहीं चला सकते हैं, रेफ्रिजरेटर्स इनसे नहीं चला सकते हैं, बस मोटर ऑपरेटेड चीज़ें आप इनसे चला सकते हैं। तो ये स्क्वायर वेव इन्वर्टर आज के ज़माने का नहीं है, आप नहीं लेंगे तो ही अच्छा है। अब बात करते हैं साइन वेव की। साइन वेव आज के ज़माने में काफ़ी अच्छा है, प्योर साइन वेव या साइन वेव आप कोई भी खरीद सकते हैं और सारे अप्लाइंसेस आप चला सकते हैं। और इसका जो करंट फ्लो है, जो वेव बनती है, वेव फॉर्म होती है, वो एसी करंट की तरह ही होती है और आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली अगर आप इसका यूज़ करते हैं। तो एकदम क्लियर कर लीजिए माइंड में कि आपको एक साइन वेव इन्वर्टर ही लेना है। दोस्तों अब बात करते हैं बैटरीज के बारे में। यहाँ दो टाइप की बैटरी आपको मेनली देखने को मिलती है, एक होती है फ्लैट प्लेट बैटरीज और एक होती है ट्यूबलर बैटरीज। तो फ्लैट प्लेट बैटरीज ये भी थोड़ा सा पुराने टाइप का हो चुका है, उसके बैटरी के अंदर प्लेट्स लगी होती है और कुछ एसिडिक चीज़ें उसके अंदर डाली जाती है, जिसे पानी भी बोलते हैं हम, और उसके साथ में कुछ दूसरी चीज़ें भी उसके अंदर मिलाई जाती है, साथ में एनोड कैथोड प्लस माइनस वाला होता है। इस टाइप की बैटरीज सस्ती होती है लेकिन मेंटेनेंस ज़्यादा मांगती है और अनसेफ मानी जाती है थोड़ी सी, और साथ में शॉर्ट बैटरी लाइफ होती है, छोटी बैटरी इसकी जो लाइफ होती है वो कम होती है। वहीं बात करते हैं हम ट्यूबलर बैटरी की, तो इसके अंदर प्लेट्स की जगह ट्यूब्स का यूज़ किया जाता है और इस तरह की बैटरीज बहुत लंबी लाइफ आपको मिल जाती है। चार्जिंग हालांकि थोड़ी स्लो होती है, थोड़ी महंगी होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा रिलायबल है। आप सेफ्टी के हिसाब से भी देखेंगे तो ट्यूबलर बैटरीज काफ़ी अच्छी मानी जाती है। तो अब आपके माइंड में फाइनल कर लीजिए कि आपको साइन वेव इन्वर्टर लेना है और ट्यूबलर बैटरी लेनी है। अब जानेंगे कि आपको कितनी कैपेसिटी की बैटरी लेनी है और कितनी कैपेसिटी का इन्वर्टर लेना है वीए में। लेकिन उससे पहले आपको जाननी होगी रिक्वायरमेंट कि आप अपने घर की क्या रिक्वायरमेंट रहेगी और बिजली जाएगी तो आप क्या क्या अप्लायंसेस चलाने वाले हैं। तो दोस्तों मैं अपने घर की आपको बताता हूँ, अगर आप 3 फैन चलाना चाहते हैं और 75 वॉट्स के फैन हैं तो 225 वॉट्स आपके इसमें लगने वाले हैं। और अगर ट्यूबलाइट चलाने वाले हैं, जैसे 3 ट्यूबलाइट मैं चलाने वाला हूँ, मुझे उसकी रिक्वायरमेंट है, तो 60 वॉट्स मेरे लगने वाले हैं। और टीवी और सेटअप बॉक्स के साथ में अगर मैं चलाऊंगा तो 130 वॉट्स मुझे लगने वाले हैं। चार्जिंग पोर्ट का मैंने लिया है तो बहुत नॉमिनल सा 5 वॉट मैं इसे कंसिडर करता हूँ। 3 एलईडी बल्ब जलाने वाला हूँ 10 वॉट्स के, तो टोटल जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो 450 वॉट्स की होती है। अब इसके अंदर हमें जर्क लोड कंसिडर करना होता है 25%, तो जर्क लोड अगर आप देखेंगे तो उसके साथ में ये 562 वॉट्स आपकी रिक्वायरमेंट हो जाएगी, ये एक्चुअल रिक्वायरमेंट आपकी आ चुकी है। दोस्तों ये तो मेरी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है, लेकिन जब भी लाइट जाती है तो हम हमेशा ऐसा करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जहाँ फालतू चल रही है उसे बंद करने की कोशिश करते हैं। जहाँ मैंने 3 फैन कंसिडर किए हैं, हो सकता है मैं 2 फैन ऑफ कर दूँ। तो अब मैं मेरी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट बताऊँगा कि अब एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट क्या होगी, वो आपको भी कैलकुलेट करना चाहिए। तो यहाँ मैं 2 फैन ही कंसिडर कर रहा हूँ और ये BLDC फैन कंसिडर कर रहा हूँ।
तो 56 वॉट्स मुझे लगने वाले हैं। ट्यूबलाइट में 3 चलाने वाला हूं और 60 वॉट्स कंसीडर करता हूं इसका टोटल, और टीवी में ऑफ रखूंगा। एलईडी बल्ब 1 जलाने वाला हूं और उसका मैं 10 कंसीडर करता हूं, तो टोटल मेरी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है 126 वॉट्स की है। अब इसके अंदर जर्क लोड अगर जोड़ा जाए 25%, तो मेरी जो एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट आएगी मिनिमम वो आएगी 157 वॉट्स। तो दोस्तों ये जो मिनिमम रिक्वायरमेंट आई है इसे अभी आप एक साइड रखिए, बाद में मैं आपको बताऊंगा कुछ इंटरेस्टिंग बात। अभी हमारी जो मेन रिक्वायरमेंट थी 562 वॉट्स की, वो हम कंसिडर करके चलते हैं और अब निकालते हैं कि आपको कितने VA का इन्वर्टर लेना है। तो एक फॉर्मूला है, इन्वर्टर VA इज इक्वल टू जो आपकी रिक्वायरमेंट है, मैक्सिमम रिक्वायरमेंट जो आपने डिसाइड की है वो अपॉन में इन्वर्टर की इफिशियंसी आ जाएगी। यहाँ बात आ जाती है इन्वर्टर इफिशियंसी की, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी इन्वर्टर होता है वो जितनी बिजली ले रहा है, जितनी बिजली डाल रहा है बैटरी में, उतनी की उतनी बिजली नहीं निकालता है, वो कम निकालता है, तो उसी को इफिशियंसी बोलते हैं। तो कोई कोई इन्वर्टर 75 निकालता है, कोई कोई 80 निकालता है 80%, तो हम 75 कंसिडर करके चलते हैं। तो 75 अगर आप कंसिडर करते हैं, आपकी जो रिक्वायरमेंट है 562 अगर है, और डिवाइडेड बाय अगर आप 75% करते हैं इसका 0.75, तो आपका 749 रिक्वायरमेंट है, यानी कि 749 VA आपको लेना चाहिए। और इससे आप थोड़ा सा ज़्यादा कंसिडर करेंगे तो 800 VA या उससे ऊपर आप लेंगे तो बढ़िया रहेगा, 800 VA भी काफ़ी बढ़िया रहेगा, तो ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों अपनी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें 800 VA का इन्वर्टर लेना है। अब देखते हैं बैटरी हमें कितने एज की लगने वाली है, तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला है। आप जितने एज की आपको बैटरी लेने वाले हैं इज इक्वल्स टू, आपको देखना होगा कि आपकी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट कितनी है। तो यहाँ हमारी 562 वॉट्स की रिक्वायरमेंट थी, तो यहाँ हमने 562 लिया है। आप इसमें इंटू करेंगे कितने घंटे का आपको पावर बैकअप चाहिए, तो मुझे 4 घंटे चाहिए, तो मैं 4 से इंटू करूँगा, जितना भी टोटल आता है उसे आप डिवाइड करेंगे बैटरी आपकी कितने वोल्टेज की आप ले रहे हैं। तो मैं यहाँ 12 वोल्टेज की बैटरी ले रहा हूँ और जो आएगा 187, ये आपका एग्जैक्ट एएच आ गया है बैटरी का। इससे थोड़ा सा आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, तो 200 एएच का भी बैटरी ले सकते हैं। अब यहाँ आपको कन्फ्यूजन में आ जाएंगे कि आप 12 वोल्टेज का बैटरी लें या 24 वोल्टेज का, तो मैं आपको सीधे शब्दों में कहना चाहूँगा, अगर आपकी रिक्वायरमेंट 200 एएच से ज़्यादा की है तो आप 24 वोल्टेज का बैटरी ले सकते हैं, अगर आपकी रिक्वायरमेंट 200 एएच से कम आती है यहाँ तो आप 12 वोल्टेज का बैटरी लेंगे तो भी बहुत अच्छा रहेगा। तो दोस्तों फाइनल हो चुका है कि हमारी जो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमें 200 एएच की बैटरी लगने वाली है और 800 VA का इन्वर्टर लगने वाला है। अब एक इंटरेस्टिंग फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, जिससे अपना जो हमने मिनिमम रिक्वायरमेंट निकाला था तो हमें पता लगेगा कि हमारा इन्वर्टर मिनिमम रिक्वायरमेंट पे कितना घंटा चलने वाला है और मैक्सिमम रिक्वायरमेंट पे भी कितना घंटा चलने वाला है। तो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट के लिए तो हमने 4 घंटे के हिसाब से कैलकुलेट किया ही था, लेकिन फिर भी क्रॉस चेक करते हैं। तो अगर आप बैटरी लेते हैं 12 वोल्टेज की अगर आप बैटरी लेते हैं, उसमें आप इंटू कर दीजिए कितने एएच का बैटरी आप ले रहे हैं। तो मैं यहाँ 200 एएच का बैटरी ले रहा हूँ, तो टोटल जो होता है 2400 होता है। इसमें डिवाइड कर देंगे जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, मैक्सिमम रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं अभी वो, तो अभी हमारी जो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है वो है 562 वोल्टेज, तो जो आ रहा है 4.2, मतलब 4 घंटे और 20 मिनट के लगभग 27 मिनट के लगभग ये चलने वाली है। तो ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। अब मिनिमम रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम देखते हैं इसी कैलकुलेशन को, तो 200 एएच का आपका बैटरी है, उससे आप इंटू कर दीजिए, गुणा कर दीजिए जितना बैटरी का वोल्टेज है। तो यहाँ मेरा 12 वोल्ट का बैटरी है, तो मैं 12 से इंटू कर दूंगा, तो 2400 आया। इससे आपको भाग देना होगा जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। तो जो मेरी मिनिमम रिक्वायरमेंट थी जर्क लोड 25% मिला के वो थी 157, तो अब जो आएगा 15 घंटे आपका बैकअप मिलने वाला है अगर आप मिनिमम रिक्वायरमेंट भी चलाते हैं। तो आप कहने का मतलब ये है कि आप मैक्सिमम रिक्वायरमेंट अपना देखिए, मैक्सिमम रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही अपना सेटअप प्लान कीजिए और फिर आप मिनिमम रिक्वायरमेंट अपना देखिए, तो आपको पता लगेगा कि आपको कितना बैकअप मिलने वाला है अगर आप मिनिमम चीज़ें बंद करके और अपना घर का इन्वर्टर यूज़ करते हैं। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग था, आप पीछे वीडियो रिवर्स करके भी देख सकते हैं अगर आपको ठीक से समझ में ना आया हो, और कमेंट बॉक्स में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं अगर आपको कोई क्वेरी आती हो। तो दोस्तों अब टॉप 5 बेस्ट इन्वर्टर्स की हम बात करने वाले हैं, 5 नंबर से हम शुरू करेंगे, बैटरीज की भी बात करेंगे और कॉम्बो पैक्स भी मैं आपको बताने वाला हूँ जो आप परचेस कर सकते हैं और सबसे बेस्ट रहेंगे अगर 2022 में आप ये परचेस कर रहे हैं। 5वें नंबर से इन्वर्टर से शुरू करते हैं, 5वें नंबर पे हमने लिया है वी गार्ड का प्राइम 1150 मॉडल।
1000 VA की इसकी कैपेसिटी है और बहुत बढ़िया मॉडल है। काफ़ी सारे फीचर्स हैं जिसकी हम आगे बात करने वाले हैं। 2 साल की आपको वारंटी के साथ में ये मिल जाता है। 800 वॉट्स का इसका आपको पीक परफॉर्मेंस मिल जाता है और 85% इसकी इफिशियंसी है, तो 680 वॉट्स आपको ये मिल जाता है। दोस्तों अगर बात की जाए इसके अदर फीचर्स के बारे में, तो यहाँ आपको प्योर साइन वेव टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है और हाई परफॉर्मेंस मोड देखने को मिल जाता है, और इस मोड पे आपका पावर बैकअप थोड़ा ज़्यादा मिलने वाला है। UPS मोड पे आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें बैटरी ग्रेविटी बिल्डर आपको देखने को मिलता है और इससे आपका जो बैकअप है और बैटरी की जो लाइफ है वो काफ़ी अच्छी बनी हुई रहती है। बैटरी टैपिंग रिमाइंडर इसमें दिया हुआ है, तो आपको झंझट नहीं रहेगी इसका पानी चेक करने की बैटरी का, वो ऑटोमेटिकली आपको रिमाइंड करवाएगा। इसमें बजर है जो ऑडिएबल साउंड्स जनरेट करता है, उसे आप ऑफ भी कर सकते हैं। बैटरी कैपेसिटी की अगर बात करें तो आप इसके अंदर 230 AH तक की बैटरी यूज कर सकते हैं। वेल मोड आपको देखने को मिल जाते हैं, तो आप UPS मोड पे अगर चलाएंगे तो आपको अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई मिलता रहेगा, और नॉर्मली अगर आपको घर में यूज करना है तो आप इसे नॉर्मल मोड पे भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत अच्छा मॉडल है, आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। बात की जाए इसकी प्राइस रेंज के बारे में, तो 5799 रुपीज़ का ये मिलता है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं सारे ही जो भी सजेस्ट कर रहा हूं, आप वहां जाके इन्हें परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं नंबर 4 पे, और नंबर 4 पे हमने लिया है लिवगार्ड का LGS 1100 PV मॉडल। बहुत शानदार मॉडल है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसमें देखने को मिलता है, जिससे आपका ओवर चार्जिंग और ओवर हीटिंग नहीं होता है और बैटरी लाइफ को भी ऑप्टिमाइज करता है, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। 3 साल की आपको वारंटी मिल जाती है इसमें, यह भी काफ़ी अच्छी बात है। 900 VA की कैपेसिटी में आपको मिलता है और 85% इफिशियंसी के साथ में 765 वॉट्स का आपको देखने को मिलता है। बात की जाए इसके अदर फीचर्स की, दोस्तों इस मॉडल में भी आपको प्योर साइन वेव इन्वर्टर आउटपुट मिल जाता है और बहुत कम नॉइस प्रोड्यूस करता है। ये पावर को स्टेबलाइज करता है, जिससे जो अप्लायंसेज है वो भी सेफ बने रहते हैं। आपको मॉडर्न LED डिस्प्ले देखने को मिलता है इसके अंदर, और हर बैटरी के साथ आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसके अंदर आपको UPS मोड और नॉर्मल मोड दोनों देखने को मिल जाएंगे, और ओवरऑल बहुत अच्छा मॉडल है, आप इस पे भी जा सकते हैं। और इसके कॉम्बो पैक्स भी आते हैं, वो भी चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप 150 AH का बैटरी इसके साथ लेने चाहते हैं तो काफ़ी अच्छी इफिशियंसी मिल जाएगी, और लिवगार्ड के ही दोनों चीज़ें हो जाएगी, तो सेम ब्रांड की चीज़ें काफ़ी अच्छी इफिशियंसी आपको मिल जाती है। तो वो 22,000 रुपीज़ के लगभग पड़ता है अगर आप कॉम्बो पैक लेते हैं 150 AH की बैटरी, और अगर आप बस इन्वर्टर खरीदेंगे तो 5,600 रुपीज़ का इस समय कॉस्ट करता है। और उसके अलावा भी जो कॉम्बो पैक्स हैं इन बैटरी और लिवगार्ड का, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं 1x1 डाल दूंगा, आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। दोस्तों बेस्ट इन्वर्टर इन इंडिया 2022 की लिस्ट में नंबर 3 पे हमने लिया है माइक्रोटेक का हाइब्रिड के नाम से आने वाला ये इन्वर्टर। काफ़ी बढ़िया इन्वर्टर है, HB1275 मॉडल नंबर है। 2 साल की वारंटी के साथ में आपको देखने को मिलता है। 900 VA का ये आता है और 85% इफिशियंसी के साथ में 726 वॉट्स का आपको आउटपुट देखने को मिलता है, और सारे ही फीचर इसमें बहुत अच्छे दिए हुए हैं। काफ़ी अच्छा बिल्ड क्वालिटी आपको देखने को मिल जाता है और इफिशियंसी भी इसका बहुत अच्छा मिल जाता है, तो आप इसे भी ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। बात की जाए इसके फीचर्स की, दोस्तों इस इन्वर्टर में आपको नॉइसलेस ऑपरेशंस देखने को मिल जाते हैं। लोड बियरिंग कैपेसिटी इसमें काफ़ी अच्छी है। फास्ट चार्जिंग आपको इसमें देखने को मिल जाती है, और IBGM का ऑप्शन देखने को मिलता है, यानी कि इंटेलिजेंस बैटरी ग्रेविटी मैनेजमेंट, जिससे आपकी बैटरी लाइफ बढ़ जाती है। UPS और इन्वर्टर दोनों मोड्स आपको इसमें देखने को मिलते हैं। हर तरह के सेफ्टी प्रोटेक्शंस आपको देखने को मिलते हैं। और दोस्तों बात की जाए इसकी प्राइस रेंज के बारे में, तो 6,500 रुपीज़ का अभी करंटली ये कॉस्ट करता है। प्राइजेस चेंज होते रहते हैं, अगर कुछ ऑफर चल रहा हो तो कम भी प्राइस आपको देखने को मिल सकते हैं, तो इसीलिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स दिए हैं वहां जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा, और उन्हीं लिंक से अगर आप परचेस करेंगे तो शॉपिंग गुरु इंडिया फैमिली की बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, आपकी प्राइस को 1 रुपया भी चेंज किए बगैर, तो प्लीज़ वहीं से परचेस कीजिएगा। दोस्तों बेस्ट इन्वर्टर की लिस्ट में नंबर 2 पे हमने लिया है लुमिनस का जोल्ट 1100 मॉडल। बहुत बढ़िया मॉडल है और ये 2 साल की वारंटी के साथ में आपको देखने को मिलता है। 900 VA इसका कैपेसिटी है और 85% इसमें भी आपको इफिशियंसी मिल जाती है, तो 642 वॉटेज आपको इसमें देखने को मिलता है। तो ये एक बहुत अच्छा सा इंटेलिजेंट सिस्टम है जो आपकी बैकअप को काफ़ी अच्छा इनहांस करता है, बैटरी लाइफ को भी सेव करके रखता है, सारे प्रोटेक्शन के साथ में आता है। बात की जाए इसके अदर फीचर्स की, दोस्तों इसमें आपको फास्ट चार्जिंग और इफिशियंट आउटपुट देखने को मिल जाता है। प्योर साइन वेव टेक्नोलॉजी है, तो आपके सारे अप्लायंसेस बहुत अच्छे से इसमें चलने वाले हैं। LED डिस्प्ले आपको इसमें देखने को मिलता है, जिसमें आपको चार्जिंग टाइम, बैटरी टाइम और इको UPS मोड, लो बैटरी और बैकअप टाइम सारा कुछ देखने को मिल जाता है, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। एक्स्ट्रा प्रोटेक्शंस भी इसमें दिए हुए हैं, MCB प्रोटेक्शन, सेफ्टी अलार्म्स आपको इसमें देखने को मिलते हैं जो आपको ऑडिएबल रहेंगे, बाईपास स्विच आपको देखने को मिलता है, इको और UPS में और दोनों पे आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है आपके लिए, और लुमिनस बहुत अच्छा है इस मामले में, इन्वर्टर्स के मामले में।
तो अगर बात की जाए इसकी प्राइस रेंज के बारे में तो 6000 के अराउंड ये कॉस्ट करता है और इसका कॉम्बो पैक भी बहुत शानदार मिलता है आपको। अगर आप 150Ah का बैटरी ढूंढ रहे हैं लुमिनस का ही, तो ये कॉम्बो पैक आपको 22000 रुपीज़ के लगभग पड़ेगा। दोनों के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जरूर जाके चेकआउट कीजिएगा और इसे आप बेस्ट परचेज बना सकते हैं, बहुत अच्छा है। तो बेस्ट इन्वर्टर इन इंडिया 2022 की लिस्ट में नंबर 1 पे हमने अगेन लिया है लुमिनस का ही जीलियो 1100 मॉडल। ये भी बहुत अच्छा मॉडल है और लगभग लगभग सेम फीचर शेयर करता है जो पिछला मैंने लुमिनस मॉडल बताया उससे, लेकिन इसमें बहुत अच्छा सा आपको एफिशिएंसी देखने को मिल जाता है और ये लेटेस्ट मॉडल है तो आप इसे भी कंसिडर कर सकते हैं। बाकी सारे फीचर्स सेम आपको मिल जाते हैं, 900 VA का ये है और जो इसकी 85% एफिशिएंसी के साथ में 642 वॉट्स का इसका पीक पावर आपको देखने को मिलता है और 2 साल की वारंटी के साथ में आपको देखने को मिलता है और हर बैटरी टाइप के लिए ये कंपेटिबल है। बाकी ओवरऑल सारा इंटेलिजेंट फीचर है, सब आपको डिस्प्ले में देखने को मिलता है और आप बाईपास स्विच भी है इसके अंदर और बहुत अच्छा है, आप इसे भी ज़रूर कंसिडर कीजिए। और इसी का एक कॉम्बो पैक आता है, उसमें आप हर तरह की बैटरी देखने को मिल जाएगी 100Ah से लेके तो 200Ah तक की, तो आप वो कॉम्बो पैक्स भी ज़रूर चेक कर सकते हैं, 19000 रुपये के लगभग वो मिलता है। और ये जो मॉडल है 6700 रुपीज़ का है अगर आप बस इन्वर्टर लेना चाहते हैं, तो दोनों के लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इन्हें भी आप ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर आपकी कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो मुझे कमेंट में आप बता सकते हैं, मैं हायर कैपेसिटी का भी प्लान कर सकता हूं। अगर आपका 2KV का रिक्वायरमेंट है तो वो भी मैं आपको बता सकता हूं, हालांकि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मैं डाल दूंगा। तो मुझे उम्मीद है आप सभी ने ये वीडियो पसंद किया होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिली होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।